एक्चुअली ये ओरिजिनल बेसिकली ये टेक्निक जो है ये इजराइल की टेक्निक। कहते हैं कि इच्छा शक्ति हो तो इंसान के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इस कहावत के उचित उदाहरण हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के प्रसिद्ध कलाकार ब्रजेश कुमार, जो लॉकडाउन में अपने किरदार से बाहर निकल एक अलग रास्ते पे चल निकले। भोजपुरी इंडस्ट्री में अपने आप को असुरक्षित महसूस किया तथा आर्थिक रूप से भविष्य सुरक्षित नहीं दिखा तो इंडस्ट्री छोड़ अपने गांव लौटा। सिर्फ इतना ही नहीं, गांव में बंजर पड़े 2 एकड़ जमीन में खरबूज की खेती शुरू कर दी और ठंड के मौसम में भी वह लो टनल अर्थात अर्ध सुरंग के विधि से खरबूज की खेती शुरू कर दी। जब गर्मी की शुरुआत होगी तो इसका फल तैयार होकर बाजार में आ जाएगा और आम पैदावार से 3 गुना अधिक आमदनी भी होगी। जहां लोग सामान्य तरीके से खेती कर धान तथा गेहूं की फसल उपजाते हैं वहीं मुनाफा बहुत कम होता है, बल्कि जिस तरीके से मॉडर्न टेक्नोलॉजी के माध्यम से ड्रिप इरिगेशन करके कम पानी में अधिक सिंचाई की जाए तो मुनाफा अधिक होगा। ब्रजेश कुमार ने पूरे खेत में पाइपलाइन बिछाई और 1.5 लाख रुपए की लागत से फसल तैयार कर ली, जिसका मुनाफा करीब 6 लाख से ज़्यादा होगा। पर बड़ी बात तो यह है कि बिहार के आसपास के जिले में इसकी खपत भी हो जाएगी। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा ब्रजेश कुमार ने। देखिए, इसका लागत कैसा है कि मेरा लागत तो कुछ ज़्यादा हो गया होगा, क्योंकि मैंने फेंसिंग भी कराया है, ड्रिप इरिगेशन भी लगाया है। ड्रिप इरिगेशन में बिहार गवर्नमेंट की तरफ से मुझे 90% सब्सिडी भी मिला है, लेकिन बाकी की चीज़ों पे जो लो टनल लगाने के लिए जो तार और ये मल्चिंग शीट, इन सारी चीज़ों पे बिहार गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं देती है, तो जिसकी वजह से मेरा लागत कॉस्ट बढ़ गया है। और मैं बिहार आपके चैनल के माध्यम से मैं बिहार गवर्नमेंट से दरख्वास्त करूँगा और उनसे मांगना चाहूँगा कि किसानों के द्वार तक सरकार पहुँचे और उनकी क्या क्या ज़रूरतें हैं उसको वो पूरा कर सके। सब्सिडी के आधार पर अगर हमको प्रोत्साहित करेंगी तो किसान कमर्शियल फार्मिंग की तरफ आएंगे। लागत का 1 एकड़ में हमारा 70 से 75 हज़ार रुपया, और ये कॉस्ट आपकी वहाँ तक चली जाएगी जब हमारी फसल निकलेगी। एक्चुअली ये ओरिजिनल बेसिकली ये टेक्निक जो है ये इसराइल की टेक्निक है। उस टेक्निक को पंजाब और हरियाणा के किसानों ने अपने स्तर से किया है। मैं हरियाणा भी गया था, वहाँ पे एक हमारे मित्र हैं जो शिवशंकर जी, जो राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित है, हरियाणा में एक नंबर के किसान हैं, वो बहुत ही समृद्ध किसान है और बहुत ही जानकार किसान है। मैं वहाँ पे गया था, मैं उनसे 3-4 दिन रह के उनसे खेती के जितने भी चीज़ें होती हैं, जो भी चीज़ें जो कि कम सिंचाई में जिसको किया जा सके और कम लागत में ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सके। तो वहीं ब्रजेश कुमार के द्वारा उठाए गए इस कदम से तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि बिहारी भले ही बिहार से बाहर चला जाए, लेकिन उसके अंदर का बिहारी कहीं नहीं जाता, क्योंकि ब्रजेश कुमार के अंदर की एक बिहारी ने इस कोरोना काल में कुछ अलग करने की ठानी, जिससे कि वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सके और बिहार के लोगों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत कर सके। न्यूज़ डेस्क, नेशन न्यूज़, पटना।